अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग सो। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग जोन व्यूअर्स, आज हम लोग बात करते हैं जॉब की, जो कि न्यू अपडेट है एनटीएस पे। अगर आप लोग अपकमिंग टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिस जॉब के मुताबिक आज हम लोग बात करेंगे वो जॉब है बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशल पर्सनस ओनली, यानी कि स्पेशल पर्सनस के लिए, कुछ लोग जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, ठीक है, ये बेसिकली उनके लिए जॉब है, ठीक है। तो जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक ही बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है मोस्टली आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, सो हम लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। जब आपसे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया है तो जी ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो रही है जी। तो ये जी हमारे सामने जो एडवर्टाइजमेंट जो है जॉब एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो गया। तो जी यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं, जैसे कि पोस्ट हैं जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, जूनियर क्लर्क की, जूनियर टेक्नीशियन की, मिडवाइफ की। तो हम स्टार्ट करते हैं जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर से। बेसिकली इसका जो स्केल है वो 12 है और 18 to 15, 25 ईयर्स इसकी एज की लिमिट है, ठीक है। इंटरमीडिएट आपने किया होना चाहिए और साथ में आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह हो MS ऑफिस वगैरह का, या आपने ICS वगैरह किया हो, ठीक है। और आपकी जो मिनिमम स्पीड है वर्ड्स को लिखने की कंप्यूटर पे वो 14 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। उसके अलावा बाद में हम लोग बात करते हैं जूनियर क्लर्क की। तो जूनियर क्लर्क की भी जो सी एज लिमिट है वो 18 to 15 ही है और इसका जो ग्रेड है वो 11 है। तो इसमें जॉब के लिए आपको क्या होना चाहिए, बताइए कि क्या आपकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो जी आप हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक तक होनी चाहिए, क्या जो आपने मैट्रिक किया है तो ये उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी मैट्रिक किया तो अप्लाई कर सकते हैं वो इस जॉब के लिए, ठीक है। फिर सेकेंडरी है, यानी कि सेकेंडरी भी होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर टाइप करने की स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ठीक है, कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानते हो, मतलब यानी कि आपको कंप्यूटर के मतलब काम आता हो कि भाई किस तरीके से कंप्यूटर पर काम करते हैं, ठीक है। थर्ड जो जॉब है वो है जूनियर टेक्नीशियन की लेडी हेल्थ विजिटर, ये इसका जो स्केल है वो 9 है और जॉब की लिमिट भी वही सेम है 18 to 25। इसमें जी आपने FSC की हो, ठीक है, FSC सेकेंड ईयर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग डिप्लोमा इन द रेलेवेंट अलाइड हेल्थ साइंसेज डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक जी। आपके आपके पास FSC की डिग्री हो, ठीक है, यानी कि सेकेंड ईयर के साथ, और आपके साथ एक कोई डिप्लोमा हो हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड ही, ठीक है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इफ नन इज अवेलेबल देन कैंडिडेट्स हैव क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक सेकेंड ईयर विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अलॉन्ग विद 2 ईयर्स डिप्लोमा इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जी। तो अगर आपके पास FSC की डिग्री नहीं है, तो अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री है उसके साथ साथ आपके पास किसी भी जगह पे काम करने का एक्सपीरियंस है, 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास, ठीक है, बेसिकली रिलेटेड टू हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ में या इस पोस्ट में। मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल बोर्ड जी, जो जहाँ से आप डिप्लोमा हासिल करें तो ये लाजमी है कि वो जो सा इंस्टीट्यूट है वो पाकिस्तान जो सी नर्सिंग काउंसिल बोर्ड है वहाँ से रिकॉग्नाइज हो। उसके बाद जी मिडवाइफ की जो जॉब है उसमें इसका स्केल 5 है और एज लिमिट है 18 to 35 और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकेंड ईयर और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन मिडवाइफरी कोर्स और कम्युनिटी मिडवाइफरी कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल का जी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए जो मिडवाइफ का कोर्स के लिए, ठीक है, या कम्युनिटी मिडवाइफ कोर्स हो किसी भी एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली इस जॉब की जो डिवीजन है वो क्या है, ठीक है, यानी कि पंजाब में कितनी है या किस तरह से डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से कितनी कितनी सीट्स हैं, कितनी कितनी पोस्ट हैं, ठीक है उसकी। तो जी ये काफ़ी एक लंबा सा चार्ट है आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो इसके मुताबिक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जी सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं बेसिकली मिडवाइफ की वो चन्योट में है जो 22, और जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं वो हैं बहावल नगर में 4, डेरा गाजी खान में 4 हैं, गुजरात में 4 हैं, और उसके बाद रहीम यार खान में 4 हैं और सरगोधा में 4 हैं, ठीक है। तो ये
और जूनियर टेक्नीशियन की जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो जी झंग में है। तो आप लोग ये सारे के सारा पढ़ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को। इसके अलावा हम लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिंक भी छोड़ देंगे ताकि आप लोग इसको देख सकें। इसके अलावा जी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं जी, टर्म एंड कंडीशन ये हैं कि अगर कोई स्पेशल जी, क्योंकि ये स्पेशल लोगों के लिए है, तो जिस एज ऑफ एक्सेशन जो है वो 10 साल है, ठीक है, एज़ पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है। तो जी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आप जी अप्लाई कर सकते हैं और आपको भी वही एज रिलैक्सेशन वाला, यानी कि जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शी मेल्स आर इनक्रेज टू अप्लाई, ठीक है, जो कि शी मेल है ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन लोगों के पास सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों के पास सिंध का या किसी और जगह का डोमिसाइल है, किसी और जगह का डोमिसाइल है, वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल को देखने के लिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सकें। उसके अलावा ये आपको पता ही है प्रोसीजर क्या है कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करते हैं। अगर नहीं पता तो काइंडली हमें इनबॉक्स कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आके हम लोग आपको ये भी बता दें कि कब और कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और इसकी जो सी लास्ट डेट है वो 20 नवंबर है, तो काइंडली ट्राई कीजिए एज सून एज पॉसिबल आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमारे चैनल को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।